हेलो एवरीवन, आज मैं आपको, ये मेरी तीसरी वीडियो है पिकॉक फैदर के लिए, पिकॉक फैदर पेंटिंग। ये थर्ड टाइप का मैं पिकॉक फैदर बना रही हूँ और ये भी बहुत इजी है बनाने में, जो मेरी ओल्ड वीडियोस थी उन्हीं की तरह, और बहुत ही सुंदर लगता है। ब्लैक कलर पर पिकॉक फैदर बहुत अच्छा लगता है, ये आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा। ये मैंने राउंड ब्रश यूज़ किया है 8 नंबर का, पूरी पेंटिंग में सेम ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, और पर्शियन ब्लू कलर मैंने लिया है राउंड ब्रश में। और ये पिकॉक फैदर का, यानी कि मोर पंख का, मैं सेंट्रल पार्ट जो है उसमें ये कलर कर रही हूँ। और इसके बाद इसके नीचे मैं सेम कलर को ही वाइट कलर में, सेम कलर के ब्रश को वाइट कलर में डिप करूँगी, और वही ब्रश से मैं वाइट कलर नीचे इस पार्ट में करूँगी। और जो मेरे ब्रश में पहले से ही जो पर्शियन ब्लू कलर था उसका शेड अपने आप आ जाएगा, मुझे अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बहुत अच्छा शेड आएगा। नॉर्मली मैं ब्रश धोती नहीं हूँ, अगर मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मैं उसको वॉश नहीं करती हूँ पानी से, मैं उसी ब्रश में वह दूसरा कलर, अगर मुझे दोनों कलर यूज़ करने हैं या शेड देना है, तो मैं उसी पुराने वाले कलर्स के ब्रश को ही मैं नए कलर के कलर में डिप कर देती हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर लेमन येलो कलर लिया है, जिससे कि मैं इसका आउटर पार्ट बना रही हूँ। क्योंकि ये ब्लैक कलर का दुपट्टा है, डार्क कलर है इसकी जो उसका बैकग्राउंड, जो उसकी जो दुपट्टा है, जो बेस कलर है वो डार्क है, तो उस पर क्या होता है, कलर जो होता है थोड़ा सा थिक लगाना पड़ता है, स्पेशली लाइट कलर जो होता है वो थोड़ा थिक लगाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या होता है, कपड़ा जो ब्लैक कलर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो अभी मैंने ये एक कोट कर दिया है येलो कलर का, और जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा दूसरा कोट करूँगी। अभी दूसरा कोट नहीं करूँगी, नहीं तो दूसरा कोट अभी करूँगी तो कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो गीला है, सूखने के बाद ही ढंग से होगा। अब ये आउटर पार्ट जो है पिकॉक फैदर का, जहाँ ये फैदर है बेसिकली ये वाले, ये मैंने सैप ग्रीन कलर यूज़ किया है, और इस सैप ग्रीन कलर से मैं इसके फैदर्स बना रही हूँ, मतलब आउटर पार्ट ऑफ पिकॉक फैदर। इससे ये पूरा ये सारा इस बाहर वाला पिकॉक फैदर का जो पार्ट है इससे पूरा फिल कर देना है। इसलिए मैंने येलो करने के बाद में मैंने सैप ग्रीन कलर करा है, जिससे कि उसको टाइम मिल जाए सूखने का। और कई बार जो ये नीचे मैंने जो स्काई ब्लू जो बनाया है, मतलब टर्कोइज ब्लू में जो वाइट मिक्स करा है, वो भी ना मतलब ड्राई होने के बाद में जो कपड़ा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ब्लैक कलर बेसिकली, तो उसको भी मैंने डबल कोट कर देना बेटर रहता है, मैंने किया है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो मैंने यूज़ किया है कलर, ये पर्ल मेटालिक कलर है, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है ये, सॉरी पर्ल मेटालिक ग्रीन कलर, गोल्डन ग्रीन कलर। इसमें ये शिमर्स हैं तो ये शाइन करता है। अभी शायद हो सकता है ये वीडियो में ना दिखाई दे, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत शाइन कर रहा है इसके बाद से। और ये टिप्स पर, उसकी ऊपर वाली टिप्स पे, इससे थोड़ा सा नीचे मैंने ऊपर से नीचे करते हुए लगाया, जैसे ये गोल्डन कलर भी मैं उसी तरह से लगा रही हूँ। अब मैं ये गोल्डन कलर लगा रही हूँ, पहले मैंने लगाया था गोल्डन ग्रीन कलर। ये सब मैंने शेड नंबर्स वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वीडियो में भी है, और मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मैं डालूंगी कि क्या क्या मटेरियल आपको और कौन से कलर और नंबर्स आपको रिक्वायर्ड है। अब ये देखिए, मैं इस पर दूसरा कोट मैंने येलो का करा था, और अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर कर रही हूँ। जब ये येलो सूख गया उसके बाद मैंने गोल्डन कलर करा है। गोल्डन कलर मैंने बाहर वाले फैदर्स के ऊपर भी करा है, पहले गोल्डन ग्रीन और देन गोल्डन कलर, और अंदर में येलो के पार्ट के ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर करा है। और अब ये सेंटर पार्ट जो मैंने पर्शियन ब्लू कलर से किया था उसके ऊपर भी मैंने ये पर्ल मेटालिक डार्क ब्लू कलर है, ये मैं इसका शेड दे रही हूँ पूरे में। इससे क्या होगा, वो चमकने लगेगा, बहुत शाइन करेगा, ग्लिटर करेगा। पेंटिंग में आई थिंक ये मुझे वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम चमकता हुआ सा मोर पंख जैसा कि होता है। देखिए, ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर गया था,
तो मैंने इस पे थोड़ा सा दूसरा कोटिंग कर रही हूँ कलर की, ब्लैक कलर के साथ होता है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है, क्योंकि ये डार्क कलर पे ये सब पॉसिबल नहीं है। देखिए हमारा दुपट्टा बनकर तैयार है, मोर पंखों से भरा हुआ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी पेंटिंग पसंद आई होगी। अगर ये सब चीज़ पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।